भेज रही हूँ ना, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि आप लोगों को ये चीज पता चले कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है ना, आपको लग रहा है कि मुझे इस चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो जैसे मैंने लिखा है ना चीजें, ऐसे ही आप लोग भी खुद से बनाना शुरू करो। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि मैम हमसे नहीं बन रहा है, उस चैप्टर का मुझे बताओ, उसके लिए मैं आपको बना के भेजूंगी, ठीक है। लेकिन ये तरीका होता है याद करने का, कि इस वे में हमको मेमोराइज करना इजी रह जाता है। चलो फिर सबसे पहले हम लोगों को डिस्कवरीज के पढ़ना है, तो ठीक है अनुष्का, मैं आपको भी वो शेयर कर दूंगी बेटा। तो हमको पता है कि हमारे पास कितने हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स हमारे पास 5 हॉर्मोन है। सबसे पहले आपका ऑक्सिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, ग्लूटामिक जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन, ठीक इथाइलिन है। तो जब भी हमें, अब हमें इन हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि इन हॉर्मोन्स को डिस्कवर किसने किया था। मुस्कान का लीव हो रहा है बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी बोलेंगे, तो ये एक लाइन लिख के देते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास ये पीजीआर डिस्कवर हुआ है ना, ये एक्सीडेंटली हुआ है। कि मतलब हम डिस्कवरी तो किसी और चीज की कर रहे थे, या पढ़म किसी और चीज को कर रहे थे, लेकिन एक हॉर्मोन निकल के आ गया हमारे साथ, ऐसे हुआ था यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले थे हमारे पास चार्ल्स डार्विन और उन्हीं के बेटे फ्रांसिस डार्विन। किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? कैनरी ग्रास की कोलियोपिटाइल। अब आपको पता है ना कैनरी ग्रास क्या है? एक मोनोकोट है। मोनोकोट के अंदर आपका कोलियोपिटाइल होता है, यस और रूट मैम, के पास क्या होता है? कोलोरिज्म, कोलोरिज्म, कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल किसके ऊपर होता है? प्रिम्यूल के ऊपर कोलोरिज्म, होता है, ट्यूमुल के ऊपर, और यस कोलियोराइजा मैम, किसके ऊपर होता है? रूट, रूट के ऊपर, रेडिकल। रेडिकल के ऊपर होता है, रेडिकल जहां से रूट ओरिजिनेट होता है, प्रिम्यूल जहां से आपका शूट ओरिजिनेट कोलोरिज्म, होता है, शूट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कैनरी ग्रास उसकी कोलियोप्टाइल पे जो कि रिस्पॉन्ड करती थी किसके लिए? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ ग्रोइंग टूवर्ड द लाइट सोर्स। अब आप देख रहे हैं जिधर से लाइट आया उधर ही साइड आपकी जो टिप है, कोलियोप्टाइल टिप, वो बेंड हो गई। इस प्रोसेस को बोलता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, जिधर से लाइट आ रही है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, उधर ही साइड आपका मूवमेंट हो गया। स्टडी कर रहे थे कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल के ऊपर, जहां पे हम एक डायरेक्शन से लाइट डाल रहे, जिधर से लाइट डाला उधर ही साइड हमारा बेंडिंग हो गया। तो कौन से प्रोसेस के टाइम पे आपका डिस्कवर हुआ था ऑक्सीजन? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, जो कोलियोप्टाइल का टिप है, वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। क्या बताती है लाइन हमको? कि हमारी जो कोलियोप्टाइल की टिप है उसके ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिधर से लाइट आ रही है उधर ही साइड बेंड हो जाता है। कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिधर से लाइट आ रही है उधर ही साइड बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कोलियोप्टाइल टिप है वो उसके अंदर बेंडिंग देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सेंसिटिव कौन है लाइट से? वो सब्सटेंस जो कि कोलियोप्टाइल की टिप के अंदर है, ये बोलते हैं ना। तो ऐसे हमारा ऑक्सीजन, अब दो चीजें आई यहाँ पे, एक तो आया डिस्कवरी, हमारे जो हमारे ये साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने डिस्कवरी किया किसका? ऑक्सीजन का। लेकिन एक चीज होती है ना, एक चीज हमने पता लगा लिया कि कोलियोप्टाइल के टिप पे है, लेकिन उसको वहां से आइसोलेट करना, आइसोलेट किसने किया था? एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था। और किस, देखो स्टडी किया कैनरी ग्रास में, लेकिन आइसोलेट कहाँ से किया? ओट्स से किया। इसी चीज को क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे? डिस्कवर्ड किसने किया? चार्ल्स चार्ल्स डार्विन, डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस फ्रांसिस और डार्विन, फ्रांसिस फ्रांसिस डार्विन ने किया। डार्विन, किसके अंदर किया? कैनरी कैनरी ग्रास, ग्रास, कोलियोप्टाइल, कैनरी ग्रास, कोलियोप्टाइल किसका था? कैनरी कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास, ग्रास का था। क्या प्रोसेस दिखा रहा था कैनरी ग्रास? फोटोट्रॉपिज्म, 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 फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा था। बन गया, ये हमारा डिस्कवरी हुआ। अब नेक्स्ट चीज आती है आइसोलेशन।
F.W. Benton ने F.W. किसके अंदर किया? ओट कॉलियोप्टेरस ओट की ओट्स सेटलिंग उसके सीडलिंग के कॉलियोप्टाइल अंदर किया. हो गया ऑक्सीजन का डिस्कवरी डन. कोई प्रॉब्लम आएगा इसको याद करने में? नो मैम. चल ये तो हमारा यहाँ तक जिब्रेलिन का हो गया. अब कभी कभी क्या करता है ना, ये हमको ऐसे डायग्राम बना के दे देता है और इस डायग्राम से पूछ लेता है कि ये डायग्राम किसकी डिस्कवरी शो करता है. तो ये डायग्राम हमको ऑक्सीजन के डिस्कवरी शो कर रहा होता है. ठीक है, ये यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये आपका यूनिलेटरल लाइट है. यूनिलेटरल लाइट. अब आप दिखा रहे हो हमने यहाँ से क्या किया, टिप हटा दिया कॉलिप्टाइल का, तो कोई बेंडिंग नहीं देखने के लिए मिला ना? नो मैम. कॉलिप्टाइल का जब टिप को हमने रिमूव किया तो उसके बाद कोई बेंडिंग नहीं. इसका इससे हमको पता चलेगा कि जो आपका ये ऑक्सीजन है सिर्फ कहाँ पे रहता है, कॉलिप्टाइल की टिप के अंदर पाया जाता है. अब नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है कौन, जिब्रेलिन. कौन सा? जिब्रेलिन. इस जिब्रेलिन को हमने डिस्कवर किया के अंदर आपका राइस सीडलिंग के अंदर एक डिसीज आ गई थी जिसको हम बैकेन या फिर फुलिश सीडलिंग. फुलिश का मतलब क्या होता है, बेवकूफ, मतलब अंधाधुन ऐसी कुछ काम करने वाला. तो क्या था ना, यहाँ पे जो राइस की सीडलिंग थी ना वो अनवांटेडली ग्रो कर रही थी. कोई बहुत बड़े साइज की, कोई बहुत मोटे साइज की, अजीबो गरीब सीडलिंग की ग्रोथ दिख रही थी. इसलिए हमने इस डिसीज का नाम रख दिया था फुलिश सीडलिंग, विच इज नोन एज बैकेन. और ये हो किस वजह से रहा था, एक फंगस था, उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई. जिब्रेला, अब ये फ्यूजिकुरोई वगैरह किधर चलता है, जापान में चलता है ना? जापान में. ये जापानीज है, मतलब जापान के अंदर सबसे पहले देखा. नीलम लेट हो गया बेटा क्लास में, आप लोगों के बोलने पे तो मैंने क्लास 7 बजे लगाना शुरू किया है. तो आपका जो ये जिब्रेलिन है, अब ऑक्सिन सबसे पहले देखा किसके अंदर गया, कैनरी ग्रास के अंदर, आइसोलेट किया ओट्स के अंदर से. जिब्रेलिन सबसे पहले राइस के अंदर एक डिसीज आ गई थी जो कि किसकी वजह से हो रही थी, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई की वजह से हो रही थी. और डिसीज का नाम था आपका फुलिश सीडलिंग या फिर बैकेन डिसीज. साइंटिस्ट कौन थे हमारे, साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा. 1969 में इन्होंने इस राइस सीडलिंग के अंदर जो डिसीज है ना, इसके सिम्टम्स को पहचाना. कैसे? व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस. इस लाइन का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया राइस स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए वही होता है स्टेराइल. एक होता है ना, हमें जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है वो यही था ना, एक स्टेराइल मीडियम करना, स्टेराइलाइजेशन करना, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उन सबको हटा देना वहां से. यस मैम. अपने मीडियम को बायोटेक्नोलॉजी जब हम करते हैं तो एक स्टेराइल मीडियम में स्टेराइल एम्बियंस प्रोड्यूस करके करता है. तो स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस मतलब एक ऐसा फिल्ट्रेट बना लिया कि जहां पे कोई फंगस ग्रो नहीं कर सकता. तो इन्होंने वहां पे तब इन्होंने सिम्टम्स स्टडी किए किसके अंदर, राइस सीडलिंग के अंदर. और उन्होंने देखा कि जो सब्सटेंस मिल रहा था, जो जो वो डिसीज कोज कर रहा था, कौन था, फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई. जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के अंदर भी तो कोई सब्सटेंस होगा ना, उस सब्सटेंस का नाम था जिब्रेलिक एसिड. ये जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा था, अनवांटेड ग्रोथ करा रहा था किसके अंदर, राइस सीडलिंग के अंदर. तो हमारे जो क्यूरोसावा थे इन्होंने सोचा कि भाई राइस के अंदर ये काम कर रहा है, क्यों ना मैं इस सब्सटेंस को यहाँ से आइसोलेट करके किसी अच्छी प्लांट के साथ यूज करूं जहां पे मेरे को उसकी लेंथ इंक्रीज कराने में बेनिफिट मिलेंगे बहुत सारे. जैसे हमने शुगर केन गन्ने की इंटरनोड इलोंगेशन करा देंगे तो कितना ज्यादा हमारा यील्ड बढ़ जाएगा शुगर केन का, कर सकता है ना. तो इन्होंने वही दिमाग लगाया यहाँ पे कि हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं. तो इस चीज को लिख लेते हैं फिर. कौन सा ईयर है ये, ईयर भी याद रखना, 1926. हमारा बैक पेज पे था ये रहा. तो जिब्रेले जो है हमारा, ये डिस्कवर किसने किया, ई कुरोसावा. 1962 26. बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे, किसके अंदर देखा, राइस सीडलिंग्स. कौन सी डिसीज मिल रही थी राइस सीडलिंग के अंदर, फुलिश सीडलिंग और बैकेने, या फिर वी कैन कॉल इट फुलिश सीडलिंग.
सीडलिंग हम इसको बोल रहे थे. किसकी वजह से कोज हो रही थी? फंगस. स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है. तो ये था हमारा डिस्कवरी के बारे में कि भाई इन्होंने डिस्कवर किया. अब नेक्स्ट चीज आ जाते कि भाई आइसोलेशन भी तो कोई करेगा ना. तो आइसोलेशन किया था हमारे स्पूग और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने. स्कूग एंड हिज कोवर्कर ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोमेटो स्टेम, टोबैको के स्टेम में देखा उन्होंने द कैलस. कैलस क्या होता है? एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, प्रोलीफरेटेड ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लाइड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जो कि एक ईस्ट एक्सट्रैक्ट था, कोकोनट मिल्क या डीएनए. ये लाइन हमको किसकी डिस्कवरी बता रहा है? जिब्रेलिक एसिड की. साइटोकाइनिन की बता रहा है. तो इसका मतलब हमारा जो फ्यूजी किरोई था, इसका आइसोलेशन नहीं था कहीं पे, क्योंकि आप देख रहे हो फंगस के अंदर से वो सब्सटेंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. कांसेप्ट भी नाम दिया ना, ई कुरोसावा रिपोर्टेड. नहीं, वो तो डिस्कवरी की थी. ये रहा जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, इस पैथोजन का नाम है जो कि क्या कोज करता है? राइस सीडलिंग. और इसी पैथोजन के अंदर से ये सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया गया, द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड, जो कि राइस सीडलिंग के अंदर अनवांटेड ग्रोथ करा रहा. ठीक है? यस मैम. अब नेक्स्ट चीज, कुक एंड उनके कोवर्कर ने क्या देखा कि आपका जो टोबैको स्टेम है ना, उसका एक कैलस लिया. कैलस होता है एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जिसके अंदर अभी ग्रोथ नहीं हुआ प्रॉपरली. तो इन्होंने देखा कि अगर हम एक ऐसा सब्सटेंस और उसको ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कैलस की ग्रोथ करानी है तो हमको किन दो हॉर्मोन्स का मिक्सचर डालना है. तो इन्होंने लिखा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ साथ एक और सब्सटेंस इन्होंने डाला जिसको वेस्कुलर टिश्यूज से एक्सट्रैक्ट किया गया, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या कोकोनट मिल्क या डीएनए से एक्सट्रैक्ट किया गया, जिसका नाम था साइटोकाइनिन. उसको अगर हम डालेंगे तो हमारे उस कैलस के वो प्रोलीफरेशन करा देगा. मैम प्रोलीफरेशन एक छोटी सी प्रोलीफरेशन का मतलब उसकी ग्रोथ करा देगा. छोटा सा इंटरनोडल सेगमेंट अगर हम लेंगे, उसका लाइक कैलस लेंगे, उस कैलस के अंदर हम ऑक्सीजन के साथ साथ वो सब्सटेंस डालेंगे जो सब्सटेंस हमने कहा से ईस्ट एक्सट्रैक्ट से या फिर कोकोनट मिल्क डीएनए उन सब चीजों से निकाला है, तो वो आपकी उसकी प्रोलीफरेशन कराएगा. फिर हमारे पास साइंटिस्ट है मिलर. मिलर ने आइडेंटिफाई किया एंड क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट डिटर्म्ड काइनेटिन. फिर उसका नाम उन्होंने उसका मतलब साइटोकाइनिन का ही नाम. जब आप साइटोकाइनिन के बारे में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे भी उन्होंने काइनेटिन लिखा हुआ है. कोकोनट मिल्क वगैरह से भी इसको निकाला गया है. वो सब चीजें मैं दिखाऊंगी आपको. तो अब अगर आप इस चीज को नोट डाउन करोगे तो कैसे लिखोगे साइटोकाइनिन का? डिस्कवरी स्कूक और उसके कोवर्कर ने किया था. कोवर्कर ने किया था. इसका काम क्या था? कैलस के अंदर प्रोलीफरेशन ये करा देता है. मतलब नाम से पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब काइनेसिस, डिवीजन कराएगा कहीं ना कहीं पे ये. तो इसका काम है सबसे ज्यादा प्रोलीफरेशन कराना. कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते कैलस क्या होता है, बिकॉज उन्होंने लिख के दिया मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल. मिलर साइंटिस्ट ने इसको क्या किया? मिलर साइंटिस्ट ने आपका काइनेटिन टर्म दिया था मिलर साइंटिस्ट ने. तो यहाँ पे लिख लो इसका. मिलर ने नाम दिया काइनेटिन. मैम इसका भी आइसोलेशन नहीं हुआ था? नहीं, इसका भी कोई आइसोलेशन नहीं था. ये किधर आ गया पेज? ठीक है, ये हमारा हो गया यहां तक. 1955, दो इयर्स देखो हमने किया, 1926 एंड 1955. फिर आता है ड्यूरिंग मिड 1960, थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्योरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टर. थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स निकाले गए, इनहिबिटर बी एब्सिसिन टू या फिर डॉर्मिन. इनहिबिटर बी
एब्सिसिन 2 या फिर आपका डॉर्मिन एलेटर, ऑल द थ्री वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, मतलब तीनों के तीनों बिल्कुल सेम थे और इन तीनों को मिला के एक ही सब्सटेंस बना दिया गया जिसको नाम था एब्सिसिक एसिड, जो कि आपको पता है एक इनहिबिटर की तरह वर्क करता है ना, इनहिबिटर की तरह। यस मैम। यस अनुष्का, कोई डाउट है मैम? मेरे पास जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, वहाँ पर वो यहाँ पर जो मिलर 8L 1955 वो स्टूग एंड मिलर जैसा लिखा है। स्टूग एंड मिलर? हाँ, तो उन्होंने क्या किया ना, फिर स्टूग एंड कोवर को मिलर दोनों एक साथ करके लिख दिया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि काम तो दोनों का साइटोकाइनिन के अंदर ही है ना। यस मैम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एब्सिसिक एसिड जो है वो किस किस तीन डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स से मिलके बना है, याद रखना इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन। ठीक है, कब डिस्कवर हुआ? मिड 1960 में डिस्कवर हुआ। फिर इसके बाद इसके लिए देखो कोई साइंटिस्ट वगैरह का नाम कुछ नहीं दिया हुआ, साइंटिस्ट के लिए दिया हुआ। फिर नेक्स्ट इथाइलिन, इथाइलिन हमारा एक वन एंड ओनली गैसियस पीजीआर है ना, गैसियस पीजीआर है ये, आपके एचएच कजिन्स ने किया था 1910 में। एक वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो एकदम से हवा में उड़ जाता है, वोलेटाइल सबसे क्योंकि गैसियस है। कहां से देखा? राइपेंड ऑरेंज से देखा, मतलब इन्होंने क्या किया, एक पका हुआ संतरा लिया और एक बिना पका हुआ अनराइपेंड बनाना लिया, दोनों को साथ में रख दिया उन्होंने। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो हमारा बनाना था ना कच्चा था वो पक गया, तो इससे इन्होंने बोला, इससे मतलब ये चीज पता लगाया गया कि ऑरेंज राइपन था, तो इसका मतलब उसके अंदर से कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाना के अंदर ट्रांसफर हुआ जिसने बनाना का राइपनिंग करा दिया, इससे बोला कि ये अगर बनाना ऑलरेडी अनराइपन है और वो केला है तो वो भी राइपन हो सकता है, उसके प्रेजेंस में तो कोई राइपन से थैले नहीं आया जैसे हो जाते हैं घर में। तभी भी एक अकेला केला रख के देखना, वो भी निकालता है अपने आप से, देखना एक बार करके, मैंने नहीं देखा कभी। नहीं, ये तो हो ही जाता है घर में। इसमें पता क्या होता है ना, अगर आपने थोड़ा सा फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो क्या होता है ना, जब भी आपका कोई भी क्रॉप होती है ना उसके अंदर इथाइलिन के इंजेक्शन लगाया जाते हैं, इंजेक्शन या फिर वो गैसियस उसमें एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाया जाता है जो कि क्रॉप्स के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, तो इथाइलिन उनको पहले से दे के रखता है वो, ताकि वो टाइम पे आने पे वो प्रॉपर राइप हो जाए। मैम सॉल्यूशन तो देखा है, वो सॉल्यूशन बना के जो क्रॉप्स पे डालते हैं, सॉल्यूशन होता है इसका, सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताया हुआ है इसमें एथिफोन। तो एचएच कजिन्स ने 1910 में, नाम याद रखना, एक राइपेंड ऑरेंज लिया, अनराइपेंड बनाना लिया, उन दोनों को साथ में रखा और वहां से पता लगा कि कोई वोलेटाइल सब्सटेंस आ रहा होगा। तो एक्सीडेंटल है ना, देखो ये कोई एकदम से प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि हाँ हमें इसी हार्मोन की स्टडी करनी है, कुछ करना है, क्योंकि इन्होंने पहले लिखा सब एक्सीडेंटल डिस्कवरीज है, कि देखा कि भाई राइस के अंदर सीडलिंग अनवांटेडली ग्रो कर रहा है, तो वहां पे पता लग गया कि इसकी वजह से एक फंगस है फ्यूजिक्यूरा नाम का, उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अनवांटेड ग्रोथ कराता है, वहां से जिब्रेलिन निकल गया, एक ऑरेंज और बनाना रखा, वहां से देखा बनाना पक गया, तो उन्होंने देखा क्या आया होगा इसके अंदर पकाने के लिए, तो एक लिया कोई कैसे हार्मोन आया होगा, ऐसे हमारा जो वो था कैनरी ग्रास उसकी टिप मूव कर रही थी एक साइड लाइट देने पे, तो उसे देख लिया टिप के ऊपर ऑक्सीजन होगा, हो गया डिस्कवरी। क्लियर या नहीं? यस मैम। अब आ जाते हैं हॉर्मोन्स के ऊपर। अच्छा, हॉर्मोन से पहले एक और टॉपिक इसके अंदर देख के रखते हैं, आई डोंट नो आप लोग इसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, प्लास्टिसिटी के बारे में। प्लास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी? मोर देन वन ऑर्गन, क्या होता है प्लास्टिसिटी? अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं। सिंपल को सिंपल वे में बताते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होता है, जैसे बड़ी बड़ी हीरोइंस होते हैं, कोई भी होता है, तो इतनी सुंदर कैसे दिखती है ये, अगर किसी की नाक टेढ़ी है, किसी के लिप्स अच्छे नहीं है, तो प्लास्टिक सर्जरी करा लेती है अपने आप को, ओवरऑल अपनी ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए, करती है नहीं करती है? तो जैसी जिसकी नीड है, yes, तो जैसा जिसका बैकग्राउंड है, जिसको जिस फील्ड में जाना है, तो उसी अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है, होता ना। लेट सपोज मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी कम्युनिकेशन, अपनी टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी होगी,
मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाऊं तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने में मुझे अपनी टीचिंग इम्प्रूव ना करके मुझे अपने लुक्स इम्प्रूव करने होंगे. यस मैम. सेम चीज यहाँ पे कि प्लांट्स जैसे एनवायरमेंट में है तो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी फेजेस चेंज कर लेता है, अपना उनका जुवेनाइल फेज या फिर अपनी शेप में चेंजेस लेके आ जाता है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसको बोलता है प्लास्टिसिटी, कि जो प्लांट्स होते हैं फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. कि जैसा एनवायरमेंट है उसकी रिस्पॉन्स में अलग अलग पाथवे. क्योंकि इससे पहले एक टॉपिक आता है आपका डेवलपमेंट का, कि कभी भी जो प्लांट होता है ना हमेशा जो डेवलपमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो एक सिस्टमैटिक वे में होता है. जैसे हमारे पास कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो वो धीरे धीरे इन्फेंट बनेगा, फिर वो सेकेंड क्लास में जाएगा, थर्ड क्लास में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो एडल्ट बनेगा. ऐसे थोड़े ना कि इन्फेंट से डायरेक्ट एडल्ट बन गया, एडल्ट से फिर वो फोर्थ फिफ्थ क्लास में आ गया, ऐसा नहीं होगा ना. एक प्रॉपर सिक्वेंशियल फेज आएगा. देखो इस लाइन को हाईलाइट करके रखना आप लोग. ये देखो, डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस. मतलब जब आपका सीड जर्मिनेट कर रहा है उससे लेके सेनेसेंस, समझते ना, बुढ़ापा. यस मैम. यस मैम. बुढ़ापे तक एक प्रॉपर सिक्वेंस में जाएगा. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने ये दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट. तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है. डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू आउट ड्यूरिंग इट्स लाइफ फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ अ सीड अप टू इट्स सेनेसेंस. हमारी ह्यूमंस की टर्म्स में बोलेंगे फ्रॉम अ बर्थ टू ओल्ड एज, या है ना. लेकिन ये बोलते हैं कि भाई प्लांट जो है वो अलग अलग भी दिखा सकता है. अब इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर. इन सम प्लांट जो आपका जुवेनाइल, समझ तो बचपन, जुवेनाइल का मतलब होता है बचपन. यस मैम. ठीक है, वैसे यहाँ पे वेजिटेटिव फेज भी यूज करता है प्लांट्स के केस में टर्म. जो उसकी लीव्स होते हैं जुवेनाइल प्लांट में, वो अलग अलग शेप्स दिखाता है. On the other hand, different in shapes of leaf produced in air, those produced in water and buttercup also represent the heterophyllous. ये लाइन समझ में आते हैं. हेट्रोफिली का मतलब होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब होता है लीव्स. कि भाई अगर आपका जो प्लांट है वो लैंड पे है, लैंड पे है तो उसकी लीव की शेप अलग होगी. लेकिन अगर वो पानी के अंदर है तो अब आप खुद देखो ना, इसको मैं आपको डायग्राम बना के बता, आपकी शेप ऐसी है लीफ की. तो जब ये पानी के अंदर है लीफ तो वाटर क्या करेगा, वाटर का एकदम बहुत स्पीड से आ रहा है तो बीच में से फट जाएगी ना आपकी लीफ. Yes, तो ये प्लांट क्या करता है ना, अगर प्लांट ये एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में ये अपनी लीफ के अंदर छोटी छोटी लीव्स बनवा लेता है. मतलब अपनी जो फेज है वो कैसी कर लेता है, ऐसे कर लेता है. इधर गया हमारा, ये रहा देखो, कि अगर ये टेरेस्ट्रियल में है, लैंड पे है तो तब ये ब्रॉड लीव्स रख सकता है. लेकिन अगर ये वाटर के अंदर, तब ये ब्रॉड नहीं रख सकता. ब्रॉड क्यों नहीं रख सकता, पानी आएगा तो बेचारे लीव्स टूट जाएंगी, है ना. तो ये हेट्रोफिली हुआ या नहीं हुआ? यस यस मैम. हैबिटेट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले केस में क्या दिखा रहे हैं. ऊपर वाले केस में बोलते हैं कि भाई जब प्लांट हमारा जुवेनाइल फेज में है तब उसकी लीफ की शेप अलग है, लेकिन जब वो एडल्ट में आ गया तब उसकी शेप अलग हो गई. हुआ नहीं हुआ, प्लास्टिसिटी इज एन एग्जांपल, हेट्रोफिली है. यस मैम. याद रहेगा सबको. यस मैम. ये एग्जांपल किसका दिया हुआ, नीचे वाला, बी वाला, नीचे वाला बटर कैप, बटर कप का है. बटरकप. ऊपर जुवेनाइल और एडल्ट फेज किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? लार्कस्पुर. लार्कस्पुर. तो दो एग्जांपल याद रखना है. बटरकप के अंदर टेरेस्ट्रियल में अलग है, वाटर में अलग है. लार्कस्पुर में जुवेनाइल में अलग है और एडल्ट में अलग है. ये याद रखना है. प्लास्टिसिटी क्या है, इसके एग्जांपल याद रखना. बोलो बोलो बोलो. फिर से बताइए ये वाला. देखो मैंने ये बोला बेटा कि जो आपका डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल फेज है. लेकिन प्लांट्स क्या करता है ना, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अपनी फेजेस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है. कि अब आप खुद देखो कि हमारे पास जो ये बटरकप वाला प्लांट है ना, ये बटरकप प्लांट आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है. अब हमने क्या देखा कि बटरकप अगर टेरेस्ट्रियल है तो उसकी लीफ कुछ ऐसे दिखेगी, लेकिन अगर बटरकप वाटर पे है तो उसकी लीफ ऐसे दिख रही है. प्लांट एक है लेकिन फेजेस दो अलग अलग दिखा रहा है.
टेरेस्ट्रियल में अलग लीफ है, वाटर में अलग है, तो ये क्यों हुआ? अब आप खुद सोचो, ये टेरेस्ट्रियल में इसकी ब्रॉड ब्रॉड सी लीफ है, और अगर पानी के अंदर इतनी ब्रॉड लीफ रही तो पानी का जो भाव होता है उतना स्पीडली आएगा, ये लीफ हमारी फट नहीं जाएंगी। तो इसीलिए हमारे इसने बटरकप ने क्या किया ना, अगर ये एक्वेटिक वाला केस आ गया तो इसने अपनी लीफ को देखो कितना पतला पतला सा बना लिया, तो अब लीफ फटेगी नहीं हमारी। इस प्रोसेस को बोलता है, इस फेनोमेनन को बोलता है प्लास्टिसिटी, कि प्लांट अपनी स्टेजेस को मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। आया दीपू समझ में? हाँ मैम समझा अभी। चलो ये हो गया हमारा डिस्कवरीज हमारा डन। अब हम आ जाते हैं हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर। अब हॉर्मोन्स के ऊपर देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी काफी वाला हमेशा मैं बोलती हूँ कि इसको ना स्टोरी बेस में हम लोग समझेंगे, स्टोरी बेस में। तो ऑक्सिन हमको कैसे याद रखना है? ऑक्सिन आपको याद रखना है, एक छोटी हाइट का लड़का है, ठीक है, उसने अपने आसपास एक बगीचा बनाया हुआ है अपने घर के आसपास ही। अब वो खुद छोटी हाइट का है लेकिन उसके बगीचे में जितने प्लांट है वो चाहता है उनकी हाइट बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है ना। यस मैम। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है ये प्लांट को बोलेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुम एपिकली ग्रो करो, लेटरली ग्रो मत करो, तुम अपनी हाइट बढ़वाओ। एपिकल वाले पार्ट को बोलेगा कि आप डोमिनेंट स्टेज में रहो, एपिकल को बोलेगा आप डोमिनेंट स्टेज में रहो। तो ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, खुद हाइट छोटी है ऑक्सिन की लेकिन अपने आसपास जो बगीचे में प्लांट लगा उनको चाहता है कि आप हाइट में बड़े हो जाओ। ये समझ में आया? ऑक्सिन ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है? नेक्स्ट केस, मैंने आप लोगों को जो इमेज भेजा था, आई थिंक सबको मिला है, नहीं मिला है वो इमेज, लेट मी चेक एक बार, उसको खोल सकते हो आप लोग अपने पास, या फिर मैं उसको फिर से बनाने में तो देखो टाइम लगेगा उसमें। खोल लिया, खोल लिया होगा ना। तो सबसे पहले आप ऑक्सिन का डेरिवेटिव देख रहे हो, ऑक्सिन का डेरिवेटिव क्या है? इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड, तो सब आपको सबसे पहले इनके डेरिवेटिव भी याद रखना है। आप में से किस किस के पास नहीं आया होगा, मैं भेज देती हूँ। मैम एक बार दोबारा भेज दीजिए। 18 एक सेकेंड बेटा, नी 2024 वाले ग्रुप में होना सब? किस मैम? वही पे भेज दिया मैंने, खोल के देखना उसको। डेरिवेटिव सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि आपके जितने भी हॉर्मोन है पांचों के पांचों हॉर्मोन किसके डेरिवेटिव है? ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है? ऑक्सिन डोल कंपाउंड है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है और मैं एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी मैं आज की क्लास में आप लोगों से, तो मेक श्योर एक एक चीज ध्यान से समझनी है। ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड है। ऑक्सिन जो होता है आपका, ये दो टाइप से हो सकता है, एक तो आपके नेचुरल ऑक्सिन हो सकता है जो प्लांट से बिल्कुल नेचुरली मिलते हैं, एक वो जिनको आप लैब में बनाओ सिंथेटिक। नेचुरल वाले हैं आपके IAA और IBA। IAA के फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटाइल। अब यहीं से पता चल गया ना आपको ये कि इंडोल कंपाउंड है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्लियर। अब दो हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी हैं जिनका नाम है NAA और 2,4-D। NAA नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। पहला क्वेश्चन डन आप लोगों का, यहां से डन भाई बोलो। यस मैम। हां मैम, अभी नहीं लगेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। ये समझ में आया इंडोल ऑक्सिन जो है खुद छोटी हाइट का है लेकिन अपने प्लांट्स को चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बड़ी हाइट हो जाए, ठीक है, तो इसलिए इसने एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब हाइट छोटी है, प्लांट बड़े बड़े कर दिए, अब प्लांट पे जो फलवल लगे उनको तोड़ेगा कैसे? नहीं तोड़ सकता ना। यस मैम, छोटी हाइट है तो इसलिए क्या करेगा, खुद ही टूट के गिर जाओ। हाँ, वो बोलेगा प्लांट्स को कि भाई तुम खुद गिर जाओ, जब तुम पक जाओ ना खुद प्लांट से टूट टूट के नीचे गिरना शुरू कर दो। तो इसका मतलब ये बोलेगा, प्रमोट करेगा क्या? प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। एब्सेशन का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ मतलब होता है ना उसे प्लांट से लीफ का और फ्रूट्स का गिरना, उसको पतझड़ बोलता है।
उनको बोलेगा कि भाई जब तुम मेच्योर हो जाओ खुद गिर जाओ, लेकिन उनको वार्निंग भी देगा कि अर्ली फॉल बिल्कुल मत करना क्योंकि छोटी हाइट है, आलसी है बहुत, आलसी है ना, वो प्लांट लीफ वीव गिर जाती है फिर वो बार बार गार्डन साफ वाफ करना पड़ता है, वो काम नहीं होता हमसे, इसलिए बोलता है कि भाई प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ का अर्ली ड्रॉप, बट जब आप बूढ़े हो जाओ जब आप मेच्योर हो जाओ तब खुद टूट के गिर जाओ। ठीक है, अब हाइट बड़ी बड़ी हो गई, बाय चांस कोई फ्रूट लगा रह गया हमारा प्लांट के ऊपर कैसे तोड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करता है ना, वो बोलता है भाई मैं चाहता हूँ हाइट बड़ी हो, लेकिन वो डीकैपेसिटेशन कर देता है, डीकैपिटेशन सॉरी, कैपेसिटेशन तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बढ़ता है, डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन का मतलब होता है शूट जैसे ऊपर से शूट की टिप हटा दी, टिप हटाते ही लेटरल ग्रोथ होनी शुरू हो गई, और ये सबसे ज्यादा उसको काम कहाँ करता है, सबसे ज्यादा हेल्प करता है चाय के बगीचे बनाने में, क्योंकि जो उसने बगीचा बनाया है ना अपने आसपास उस बगीचे में, उसको छोटी हाइट है सबसे ज्यादा उसको चाय पीना पसंद है, तो उसने अपने बगीचे में चाय चाय के प्लांट लगा रखे हैं, उसके साथ साथ चाय के अलावा उसको पाइनएप्पल भी बहुत पसंद है, पाइनएप्पल का जूस पीना, तो इसलिए उसने पाइनएप्पल भी वहां पे लगाया हुआ है, पाइनएप्पल के अंदर वो फ्लावरिंग कराते हैं क्योंकि पाइनएप्पल के फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, एक सेकंड साक्षी, एंड उसके अलावा वो क्या करता है ना उसको टमाटर का जूस भी पता, अपने टमाटर सूप पीना पसंद है, लेकिन टमाटर सूप के अंदर जो सीड आ जाते हैं ना उनसे उसको बहुत चिड़ मचती है, तो इसलिए बोलते हैं टमाटर के अंदर मैं पार्थिनोकार्पी कराऊंगा, अब पार्थिनोकार्पी से आपको पता है टमाटर के अंदर सीड भी आएंगे, ये साक्षी बताओ। मैम ऑक्सिन तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है जो मतलब हाइट में इंक्रीज करे, तो फिर ये डीकैपिटेशन करके तो लेटरल ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है, ये सॉल्यूशन है इसका, ये रिमूवल ऑफ शूट टिप यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास, तो सोल्यूशन है कि हम डीकैपिटेशन कर सकते हैं, सोल्यूशन दिया हुआ, समझ आया आप लोगों को यहाँ तक ऑक्सिन के बारे में सारी कहानी, ऑक्सिन छोटे हाइट का इंसान है तो इसके बारे में पहले लिख ले या सारे एक साथ पढ़ के एक साथ लिखोगे सारे, मैम एक एक करके लिख लेते हैं, एक एक करके चलो फिर लिखो अपने अपने, या तो नोट्स खोलो और मेरे साथ लिखना शुरू करो, लिखो ऑक्सिन पे आ जाओ, डिस्कवरी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन और उन्हीं के बेटे फ्रांसिस डार्विन, किसमें, कैनरी क्रॉस के कॉलिटाइल एंड फोटोट्रॉफिज्म कॉन्सेप्ट देखा था, और आइसोलेशन किसने किया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था इन ओट सिटी, ठीक है, कैसा है कंपाउंड है ये, इंडोर कंपाउंड, इंडोर कंपाउंड है, नेचुरल ऑक्सिन कौन सा है, आईएए और आईबीए, आईएए और आईबीए, सिंथेटिक एनएए और 24डी, एनएए 24डीएनपी, 24डी शॉर्ट में लिखता है, ठीक है, अब जो ये ऑक्सिन है ना ये क्या करता है, प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, क्योंकि इसको खुद छोटी हाइट का है बड़ी हाइट चाहता है, अब छोटी हाइट का है तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला इसने, इसका सोल्यूशन निकाला डीकैपिटेशन, और डीकैपिटेशन है और इसको चाय पीना पसंद है तो इसने टी प्लांटेशन किया, और हेज मेकिंग भी इसको बोल सकता है, और इसको पाइनएप्पल भी बहुत पसंद है, फ्लावरिंग, तो इसने पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग कराया, और इसको टमाटो सूप पसंद है तो इसलिए इसने टमाटो के अंदर पार्थिनोकार्पी कराया, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई ये बहुत आलसी इंसान है, इसको साफ सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, अब अगर ये अपने आसपास बगीचा रखेगा तो बगीचे के अंदर वीड्स तो आएंगे ही आएंगे ना, वीड्स को हिंदी में क्या बोलता है, जंगली घास फूस, तो उस जंगली घास फूस के लिए क्या करता है ना ये अपने एक सिंथेटिक को बोलता है 24D को कि भाई तू ही क्या कर ले, वीडी साइड की तरह बिहेव कर ले, यस मैम, ठीक है, और इसके साथ साथ ये यहाँ पे जालम डिफरेंशिएशन भी कर, वैसे इनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जालम डिफरेंशिएशन भी करा देता है,
जाइलम डिफरेंशिएशन क्यों करा? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मैच्यूरेशन। यस मैम, उसको फंक्शन ट्रिंग के बोल देना है ना। अब खुद देखो, हाइट बड़ी कर रहा है, अब प्लांट की हाइट बड़ी कर रहा है, तो इतनी हाइट तक नीचे रूट से वाटर, जाइलम का काम क्या था? वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो इतनी हाइट तक उसको इतनी बड़ी बड़ी एपिकल डोमिनेंस करेगा, इतनी बड़ी हाइट तक प्लांट लेके जाए, तो पानी भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिएगा, तो पानी चाहिएगा, तो भाई जाइलम को डिफरेंशिएशन तो कराना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो प्लांट को पानी कहां से मिलेगा। डन। यस ऑक्सीजन क्लियर बिल्कुल। और मैम एब्सिशन भी जीए को हमेशा याद रखना है, जीए इज लाइक गब्बर शेर मैम, है ना। जी एक लाइन लिखा है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग एंड स्टेम कटिंग, इसका मतलब देखो इसको भी समझो। अगर ये क्या करता है ना, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, ये मैंने आपको बोला है पाइनएप्पल के अंदर क्या कराता है, फ्लावरिंग कराता है, फ्लावर्स उसके अंदर ग्रो करता है। तो ये आलसी टाइप का इंसान है, कहीं से इसको क्या मिला, एक प्लांट मिल गया, उठा के लेके आया प्लांट और उस प्लांट को अपने बगीचे में लगा दिया। और अब लगा दिया तो अब जैसे होता है ना, रोज प्लांट होता है, रोज का हम सिर्फ स्टेम लेके आता है और वो रूट उसके अंदर खुद आ जाती है ना। तो बिल्कुल ये पाइनएप्पल वाला भी वहीं पे यही केस समझना है कि लाया स्टेम, उसको लगाया स्टेम कटिंग को और उसके अंदर रूटनिंग करा दिया उसने, इसको प्लांट प्रोपोगेशन बोलते हैं। और फिर जब उसके ऊपर फ्लावर आया तब उसको पता चले तो पाइनएप्पल का प्लांट है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है मैम। ठीक है, और इसीलिए ऑक्सीजन को हम एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल पर्पजेस इन सब में यूज करते हैं। एक एक लाइन जब अच्छे से पढ़ोगे ना, सब खुद रिलेट करते चले जाओगे आप लोग। आरिफ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, चलो नेक्स्ट आ रहा हूँ। जीए, जीए इज लाइक गब्बर शेर। अब इस गब्बर शेर को क्या करना है ना, इस गब्बर शेर को एक फैक्ट्री लगानी है एल्कोहल्स की, बेवरेजेस की, ब्रीविंग इंडस्ट्री लगानी है, बेवरेजेस अलग, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज को लगानी है। अब ब्रीविंग मतलब एल्कोहल बनवानी है। एल्कोहल किस किस से बनती है? ग्रेप से बनती है, शुगर केन से बनती है, एप्पल से बनती है, इनसे बनती है ना। तो इसके फायदे वाले तीन ही तो फ्रूट हुए, ग्रेप शुगर केन और ग्रेप शुगर केन और एप्पल। तो अब ये गब्बर शेर है तो ये क्या करेगा, अपने तीनों फायदे, ग्रेप को बोलेगा भाई इसको अपनी इल्ड बढ़ानी है कैसे ना कैसे करके, ग्रेप को बोलेगा कि भैया बड़ी बड़ी स्टॉक करो, ग्रेप्स को के अंदर प्रमोट करेगा बड़ी बड़ी स्टॉक। अब जितनी बड़ी ग्रेप की स्टॉक उतने ही ज्यादा उसके ऊपर ग्रेप्स, नंबर ऑफ ग्रेप है ना। सेकंड, शुगर केन से इसका फायदा है, तो शुगर केन के अंदर इंटरनोड इलोंगेशन करा देगा, इतना ज्यादा करा देगा कि हम 20 टन पर एकड़ इंक्रीज करा देंगे। थर्ड, एप्पल, एप्पल से भी बनते हैं एल्कोहल्स वगैरह, तो ये बोलेगा एप्पल को कि भाई अच्छी अच्छी शेप बनाओ तुम अपनी, अच्छी अच्छी शेप करो, बोल्टिंग करा देगा। हाँ, ये पहले तीन कर लो, शुगर केन के अंदर इंटरनल इलोंगेशन कराएगा, ग्रेप की स्टॉक बढ़वाएगा और एप्पल्स की शेप को इम्प्रूव करेगा, और एप्पल को बोलेगा भाई ज्यादा टाइम तक तुम प्लांट के ऊपर रहो, क्योंकि आपको पता ना एप्पल जो होता है ना उसमें हिमाचल वगैरह एरियाज में होता है और सर्दियों के मौसम में आता है कुछ कुछ, तो उस टाइम पे वो रास्ते बंद रहता है, ब्लॉकेज रहता है। अब हमारा तो हार्वेस्टिंग हो गया, रास्ते ब्लॉक है, तो हमारे एप्पल तो हम तक पहुंचने के टाइम तक तो खराब हो जाएंगे ना, तो इसीलिए एप्पल प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन डाला जाता है। ये रियलिटी बता रही हूँ, कहानी नहीं है, जिब्रेलिन डाला जाता है ताकि वो एप्पल प्लांट पे ज्यादा टाइम तक रहे, और प्लांट पे रहेंगे तो ऑब्वियसली खराब नहीं होंगे। ठीक है, लाइन लिखी हुई है, जिब्रेलिन कोज फ्रूट लाइक एप्पल, देखो जिब्रेलिन कोज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट और अपनी शेप को इम्प्रूव, इसीलिए दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, क्योंकि भाई इसको गब्बर शेर बने रहना है, गब्बर शेर को बुढ़ापा नहीं पसंद है, तो बुढ़ापे को दूर भगाएगा, क्योंकि इसको अपनी इल्ड बढ़ानी है फैक्ट्री की। और फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, क्योंकि बुढ़ापे को कम करेगा तो प्लांट पे ज्यादा टाइम तक रह पाएंगे ताकि उनका मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो सके। क्लियर, ग्रेप एप्पल शुगर केन। इसके बाद ये दो प्रोसेस करता है, याद रखना है, बोल्टिंग मोल्टिंग, बोल्टिंग मोल्टिंग। मोल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी एल्कोहल्स वगैरह बनती है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है ये, मोल्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। और बोल्टिंग याद रखना है, जितने भी रोजेट हैबिट वाले प्लांट
होता है ना, रोजेट मतलब जो जैसे फूल गोभी हो गई, ठीक है, बीटरूट हो गया, कैबेज हो गया, ये सब फूल के जैसे दिखते हैं ना, रोज के जैसे। तो जितने भी रोजेट हैबिट वाले आते हैं उनके अंदर वो बॉल्टिंग कराता है। अब बॉल्टिंग क्या है? बॉल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड का बनना, इंटरनोड इलोंगेट हो गई फ्लावर बनने से पहले, फूल तो बना नहीं, उससे पहले उसकी इंटरनोड बड़ा बन ज्यादा बड़ी करती। ग्रेप, शुगर केन, एप्पल, बॉल्टिंग, मॉल्टिंग, मॉल्टिंग ब्रीविंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, बॉल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन बिफोर टू फ्लावरिंग, और बीट, कैबेज और जितने रोजेट है बिट वाले उन सब के अंदर। हो गया याद? जिब्रेलिन किसका डेरिवेटिव है? टर्पीन का डेरिवेटिव, टर्पीन कंपाउंड है। क्या है? टर्पीन कंपाउंड। डन? यस मैम, यस मैम। अच्छा, किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा ना मैम, बस ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझ तो आ रहा है ना? यस तानिया, नीलम, पुनीत, पुनीत, यस मैम, नीलम, यस मैम, अब आज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखो नाम से पता चल रहा है सेल का डिवीजन कराएगा, और कहीं पे भी सेल का डिवीजन हुआ तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, होगी ना ही होगी। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? इसका काम है सेल साइटोकाइनेसिस कराना। और इसको डिस्कवर किस फॉर्म में किया गया था? मिलर ने किया था, काइनेटिन की फॉर्म में। किसका डेरिवेटिव है साइटोकाइनिन? एडेनिन का डेरिवेटिव। और एडेनिन क्या है? यूरिन है। इसको डिस्कवर कहाँ से किया गया था? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म, मतलब एक ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश है, उसके स्पर्म से इसको आइसोलेट किया गया था, एक स्पर्म के डीएनए से इसको निकाला गया था। काइनेटिन जो है नेचुरली प्लांट के अंदर कभी नहीं होता, डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। लेकिन जब हमने बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस की डिस्कवरी किया तो हमको साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी दिखाने वाले सब्सटेंस मिले। एग्जैक्टली नहीं मिला, उसके जैसी एक्टिविटी दिखाने वाले सब्सटेंस मिले, जिसकी वजह से हमने जिएटिन, मतलब काइनेटिन नहीं मिला तो जिएटिन से काम चला ले। कहां से मिला था जिएटिन हमको? कॉर्न कर्नल से मिला था, या फिर अभी कॉर्न कर्नल तो पता है ना, भुट्टा, भुट्टे के ऊपर के वो जो बाल होता है उसको बोलते हैं कर्नल, कॉर्न कर्नल, या फिर कोकोनट के मिल्क से मिले थे। याद रखना काइनेटिन नेचुरली नहीं रहता, काइनेटिन के अलावा हमको जिएटिन मिला जो कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रहा था, कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से मिला। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन, जैसे जिएटिन की डिस्कवरी, उसके बाद हमें बहुत सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाने वाले कंपाउंड मिल गए। नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज। अब इस नेचुरल साइटोकाइनिन को हम कहां मिलेगा? ऑब्वियसली काम है इसका सेल डिवीजन करना। तो प्लांट के अंदर जितने भी यंग पार्ट है उनके अंदर तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा होगा ना, तो उसी के अंदर मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? यंग प्लांट में, जैसे रूट के टिप पे मिल गया, शूट की जो बड है वहां पे मिल गया, यंग फ्रूट्स है वहां पे मिल गया। और इसका काम भी क्या है? नई नई चीजें बनवाना, नई लीव्स बनवाना, नए नए क्लोरोप्लास्ट बनवाना, ये इसका काम है। अब इसका काम है क्या करना? डिवाइड कराना। अब जो हमारा ऑक्सिन था वो क्या कर रहा था? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा था। वो बोल रहा था कि भाई सिर्फ तुम लेंथ ग्रो करो, ब्रेथ पे ध्यान मत दो। लेकिन इसका काम है डिवाइड कराना। तो ये बोलेगा कि भाई मैं सिर्फ लेंथ लेंथ नहीं बढ़वाऊंगा, मैं तो ओवरऑल ग्रोथ कराऊंगा। तो इसका मतलब ये एपिकल डोमिनेंस को रोकेगा ना, इनहिबिट। यस, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। अब डिवीजन करा रहा है तो डिवीजन, जब तक सेल डिवाइड करता रहेगा तब तक तो बूढ़े होने के चांसेस है ही नहीं प्लांट के अंदर। तो सेनेसेंस को डिले कर रहा है, नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जिब्रेलिन क्या कर रहा था? वो भी सेनेसेंस को डिले कर रहा था, डिले कर रहा है। गब्बर शेर है, वो भी नहीं चाहेगा बूढ़े हो जाए जल्दी से, ये भी नहीं चाहेगा बूढ़े भी नहीं चाह रहा था, और ये ऑक्सिन भी नहीं चाह रहा था। ऑक्सिन के बारे में तो वैसे उन्होंने कुछ लिखा हुआ भी नहीं था सेनेसेंस का, एब्सिशन का लिखा हुआ था बस उन्होंने, ठीक है। तो लिखा रहा है कि डिले करता है लीफ का जल्दी से गिरना, तो वही बात आ जा रही है। नहीं, सेनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना, गिरना एब्सिशन है, वो अर्ली फॉल को रोकेगा। लेकिन जब मेच्योर हो जाएगा तब तो बोलेगा कि भाई तुम गिर जाओ। ओके,
ठीक है. अब ये डिले कैसे करता है सेनेशंस को, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करा देता है, मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसमें दिख रहा है कि भाई बुढ़ापा आने वाला है वहीं पे न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, फिर तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं उसके अंदर. yes. ये सबसे इजी हार्मोन है, बहुत जल्दी याद हो जाता है ये. अब आ गया हमारे पास इथाइलिन. अब इथाइलिन देखो, सिंपली याद रखना, इथाइलिन का काम है पकाना किसी चीज को, ठीक है. अब ये पकाएगा, पकाना मतलब फ्रूट राइपनिंग कराना. अब पकाने के लिए ये क्या बोलेगा, ये हमारे सीड, सीड से सीडलिंग बनेगा, उसी से फिर फ्रूट बनेगा. अब आप खुद सोचो, हर कोई चाहता है अपना, अपनी ग्रोथ कराना चाहता है ना. ये इथाइलिन चाहता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट मिले कच्चे, ताकि मैं उनको पका पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मुझे फ्रूट मिले ताकि मैं उनको पका पाऊं. तो ये सीड को बोलेगा कि भाई तुम डॉर्मेंसी में क्यों बैठे हो, तुम फटाफट जर्मिनेट करो ना. आ रही है लाइन समझ में, कैसे रिलेट करेंगे इसको. इसका ये चाहता है अपनी ग्रोथ कराना, मैं बहुत सारे मैं फ्रूट्स को पकाऊं, तो ये सीड को बोलेगा कि भाई तुम जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो, अपनी डॉर्मेंसी को तोड़ो, बाहर निकलो वहां से, फ्रूट बनो जल्दी जल्दी ताकि मैं तुमको पका पाऊं. और पकाने का मतलब होता है उसके अंदर फ्लफीनेस आना, है ना, फ्लफीनेस आना, साइज बढ़ना. तो मतलब ओवरऑल इथाइलिन इज रिलेटेड टू वेट गेनिंग. तो वेट गेन के लिए आपको क्या बोला जाता है, पीनट बटर खाओ, ज्यादा से ज्यादा आलू खाओ, ज्यादा से ज्यादा राइस खाओ, ज्यादा से ज्यादा मैंगो खाओ. तो ये सारे काम उन्हीं के साथ करता है. पीनट बटर है मतलब पीनट के जो सीड है ना, पीनट के सीड को बोलेगा कि भाई तुम डॉर्मेंसी से बाहर निकलो, जर्मिनेट करो फटाफट से. पोटैटो के ट्यूबर को बोलेगा कि ट्यूबर जल्दी जल्दी से जर्मिनेट करो, ठीक है. राइस प्लांट को बोलेगा, राइस प्लांट जो होता है ना पानी के अंदर होता है तो दिखता नहीं है, तो क्या करता है राइस प्लांट की इंटरनोड इलोंगेट करा देता है ताकि वो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाए. मैंगो को बोलेगा कि तुम्हारे अंदर मैं फ्लावरिंग करा देता हूँ. तो वेट गेन के लिए पीनट, पोटैटो, मैंगो और राइस. और खीरे को कैसे भूल सकते हैं, भाई ज्यादा वेट थोड़े ना बढ़ाना है, कुकुम्बर भी तो चाहिए ना, तो कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर ग्रो कराता है ये, याद रहेगा. यस मैम, यस मैम. ठीक है, अब इथाइलिन है तो ये हमारे फ्रूट को पका रहा है, तो पकाना मतलब उसको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहा है, तो सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है. यस मैम, प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस को. और फ्लावर्स को पका रहा है, तो पकेंगे तो पेड़ से गिरेंगे, एब्सेशन को भी प्रमोट कर रहा है फिर तो. यस मैम. तानिया बस 10-15 मिनट और रुक जाओ बेटा, आई नो आप लोगों का एग्जाम है, बस एक और हार्मोन रहेगा, चैप्टर फिनिश करके चले जाना, ठीक है. तो ये हो गया हमारा इथाइलिन के लेके. अब इथाइलिन के बाद आ गई ये एंटागोनिस्ट. अब इसके अलावा देखो एक दो और चीज है यहाँ पे. अब ये बोलेगा हमारा प्लांट के अंदर कि भाई प्लांट को पकाना है उसको, तो पकाने के लिए उसको ज्यादा पानी की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये बोलेगा मैं रूट की भी ग्रोथ करा देता हूँ, रूट हेयर की भी मैं ग्रोथ करा देता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी मिले प्लांट को. अब पानी मिलेगा तभी तो सीड जर्मिनेट करेगा ना, सीड जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर वाटर, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है. अब ऑक्सीजन के लिए एक और प्रोसेस ये दिखाता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है क्योंकि हमको क्या करना है, जर्मिनेट कराना है सीड को. तो यहाँ पे जब फ्रूट राइपन हो रहा था उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, और इस राइजिंग रेट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ठीक है. हो गया. यस मैम. हाँ बोलो बेटा. थर्ड वाला जो लाइन है वो थोड़ा बताइए ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. हॉरिजॉन्टल, अच्छा ये सीडलिंग वाला देखो, ये भी बताते हैं स्टार्टिंग से. देखो इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है, सबसे लार्ज अमाउंट में कहाँ मिलेगा, उस पार्ट में जहां पे सेनेसेंस हो रहा होगा या फिर वो पक रहा होगा, ठीक है. जब आपने एक प्लांट के ऊपर इथाइलिन डाला तो इथाइलिन रिस्पॉन्स कैसे करता है, तो तीन स्टेप में रिस्पॉन्स करता है, तीन स्टेप में. अच्छा इथाइलिन की डिस्कवरी किसने की थी, HH cousins ने. ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन स्टेप में होता है. सबसे पहले क्या बोलता है, जो सीड है, अब इसका काम है सीड को डॉर्मेंसी से बाहर निकालना सीड की, तो सबसे पहले उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा, सीडलिंग की हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कराएगा, और उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगा, और जैसे ही वो स्वेलिंग होगा उसके अंदर ऐसे हुक फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे,
पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बाद उसके अंदर ऐसे एक एक्सिस, ऐसे एक छोटा सा एक्सिस बनेगा और फिर ऐसे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तीन स्टेप है और ये किसके अंदर देखा जाता है, डाइकोट सीडलिंग के अंदर देखा जाता है। पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ, फिर ऊपर से पक थोड़ा स्वेल अप हो गया स्ट्रक्चर और फिर उसके अंदर हुक बन गया। इन तीन स्टेप से अपना इफेक्ट दिखाता है कि हाँ ये थाइलिन काम कर रहा है। समझा मैम, आ गया ना समझ जी तू? हाँ मैम, क्लियर। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग ही ऑक्सिन भी करा रहा था ना, और यहाँ पे भी है पाइनएप्पल। यस मैम, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, मतलब फ्लावरिंग और फ्रूट दोनों को सिंक्रोनाइज वे में ग्रो कराएगा, एज वेल एज हमारे मैंगो के अंदर भी फ्लावरिंग कराएगा। अब जो ये थाइलिन है तो गैसियस फॉर्म में, हमने इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक थाइलिन के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं एथिफोन, जो कि प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी की बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, और जब प्लांट को रिक्वायर होता है धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता रहता है अपने अंदर से। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन इज नोन एज एथिफोन, जो कि बहुत रेडिली जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और जब जरूरत होती है तब धीरे धीरे इथाइलिन अपने अंदर से रिलीज करता रहता है। अब ये एथिफोन जो है ये क्या करता है, टोमेटो के अंदर फ्रूट राइपनिंग, आप जैसे मैंने बोला मोटे होने के लिए पीनट बटर चाहिए, पीनट के सीड्स चाहिए, पोटैटो ट्यूबर को कराएगा, ये मैंगो को कराएगा और राइस को कराएगा। लेकिन अब वेट गेन गेन थोड़े ना करोगे, साथ साथ कुकुम्बर वगैरह ये चीजें भी तो खाओगे, तो आप क्या टोमेटो सूप वगैरह खाते हैं, एप्पल भी में तो टोमेटो सूप आप लोगे या फिर आप कुकुम्बर लोगे, तो ये वही चीज दिखा रहा है कि एथिफोन जो होता है ना ये टोमेटो को बहुत जल्दी पका देता है, एज वेल एज एप्पल को भी बहुत जल्दी पका देता है। और ये एब्सिशन, एब्सिशन मतलब गिरना, पका रहा है तो गिराएगा भी, कॉटन की थिनिंग कराता है, चेरी वॉलनट इन सब के अंदर इनका एब्सिशन बहुत जल्दी कराता है, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है किसके अंदर, कुकुम्बर के अंदर। ये एथिफोन के फंक्शन है, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को आपको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये देखो एब्सिसिक एसिड को लिखते हैं हम ए ए से, तो ये एंटागोनिस्टिक है किसके, जी जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक है। अब एब्सिसिक एसिड जो होता है एक इनहिबिटर हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव है, कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो इनहिबिटर की तरह होता है। अब ये क्या करेगा, हमारे सीड को बोलेगा कि भाई तुम जर्मिनेट मत करो, तुम डॉर्मेंस पीरियड में ही रहो, डॉर्मेंसी के अंदर ही रहो, ठीक है। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका बस ये याद रख लो, एब्सिसिक एसिड जो है ना ये स्ट्रेस हॉर्मोन भी हम इसको बोलते हैं, तो मतलब ये प्लांट का ना स्ट्रेस दूर करता है। अब प्लांट के ऊपर क्या स्ट्रेस है भाई, प्लांट के ऊपर स्ट्रेस है कि उसको जर्मिनेट करना है, उसको आगे सीडलिंग बनाना है, बहुत सारी चीजें करना है, तो बोलेगा भाई तुम स्ट्रेस ही मत लो ना, तुम जर्मिनेट ही मत करो, इनहिबिट कर देगा सीड जर्मिनेशन। तो उसके लिए अब सीड को हमें रोकना है जर्मिनेट होने से। सीड जर्मिनेट कब होता है, जब उसको प्रॉपर वाटर और ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है तब सीड जर्मिनेट करना शुरू करता है ना। यस यस मैम। उस टोमेटो को बंद कर देगा ये, कहानी खत्म, टोमेटो को बंद कर दिया, सारा स्ट्रेस हटा दिया। सीड की डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीड का मैच्यूरेशन, सीड का डॉर्मेंसी को बोल रहा है, क्योंकि देखो जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, जर्मिनेट मत हो, तो डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है ना। यस मैम। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, दुश्मन तो नहीं है ये प्लांट का, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा कि टोमेटो बंद करा रहा है, सीड को बोल रहा है भाई तुम जर्मिनेट मत करो, टोमेटो को क्लोज कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि अभी होता ना कि जैसे एक मम्मी होती है तो उसका छोटा सा बेबी है 3-4 साल का, और बाहर हो रही है स्नोफॉल, तो बच्चा चाहता है बाहर, घर से बाहर खेलने जाना है, स्कूल जाना चाहता है, चलो ठीक है, बच्चे को पता है कि भाई मेरा फायदा है स्कूल जाने में, लेकिन मम्मी उसको रोक रही है स्कूल जाने से। क्यों, क्योंकि बाहर का जो एनवायरमेंट है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसके बेबी के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए वो रोक रही है उसको। तो हमें तो ऐसे लग रहा है ना, अगर कोई दूसरा देखा कि भाई ये स्कूल जाने से रोक रही है तो हमारी नजरों में तो गलत काम कर रही है ना, मम्मी स्कूल नहीं जाने दे रही है बच्चे को, लेकिन मम्मी काम सही है, मम्मी कुछ सोच के कर रही है,
ऐसी एब्सिसिक एसिड है, हमें देखने में बुरा लगता है कि भाई इनिमिट कर रहा है, लेकिन जब हम इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अच्छा काम कर रहा है। कैसे? प्लांट को बोल रहा है कि भाई तुम जर्मिनेट मत करो, क्यों? क्योंकि जो अभी आसपास का जो तुम्हारे कंडीशन है ना, वो अनफेवरेबल है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए तुम अभी डॉर्मेंसी में ही रहो। और अब डॉर्मेंसी में रहने के लिए क्या प्रॉपर ऑक्सीजन वाटर नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हारा स्टोमेटा बंद करा दिया। बस तो क्या कर रहा है एबीए? हेल्प कर रहा है सीड को टू विदस्टैंड डेसिकेशन, कि वो डेसिकेट ना हो जाए, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स से बचा रहा है जो कि अनफेवरेबल है उसकी ग्रोथ के लिए। तो एबीए एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि जीए के क्यों एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि जीए सीड को बोल रहा था भाई फटाफट जर्मिनेट करो, सेनेसेंस को डिले कर रहा था। यस मैम, यस मैम, एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। यहां तक हमारे सारे के सारे डन। अब आ जाओ थोड़ा क्वेश्चन पे। अब मैं आपको मैम बोलो मैम, एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है ना? एब्सिसिक एसिड आपका सेनेसेंस को, बुढ़ापे को प्रमोट कर रहा है, नहीं बोल सकते हम कुछ, क्योंकि इसका बुढ़ापे तक तो ये जाने ही नहीं दे रहा ना प्लांट को। ये तो उसको डॉर्मेंसी में रोक के रखा हुआ है। डेसिकेशन का मतलब टूट जाना, डेसिकेट होना। अब मैं आपको यहाँ पे प्लांट के नाम बता रही हूँ, और आप मेरे को बताओगे इन प्लांट के अंदर क्या क्या रोल है और कौन करता है। ठीक है, तो मैं अपने फेवरेट से लिखना शुरू कर देती हूँ, पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल पढ़ा हमने यहाँ पे, टोमेटो पढ़ा, और चाय पढ़ी है ना, टी मतलब, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, एप्पल देखा, ग्रेप्स देखा, शुगर केन देखा, पीनट, पोटैटो, राइस, पोटैटो, पीनट, और पोटैटो ट्यूबर एक साथ ही लिख देती हूँ, कुकुम्बर, कुकुम्बर हमने देखा यहाँ पे, और मैंगो भी तो देखा था, और कोई बच गया? कॉटन चेरी, राइस, मेज, राइस बच गया। ठीक है, चलो इनको ही बता दो। पाइनएप्पल के अंदर बताओ क्या हो रहा था। ऑक्सिन फ्लावरिंग हो रही थी, ऑक्सिन करा रहा था। देखो ऑक्सिन इसके अंदर फ्लावरिंग करा रहा था, और इथाइलिन, इथाइलिन भी इनहिबिट करा रहा, फ्लावरिंग ही करा रहा था, इथाइलिन भी फ्लावरिंग करा रहा था, दोनों करा रहे थे। टोमेटो, टोमेटो के अंदर पार्थिनोकार्पी लेके आ रहा था, ऑक्सिन कर रहा था पार्थिनोकार्पी, और इथाइलिन में एथिफोन, इसके अंदर क्या कर रहा था एथिफोन, इसको बोल रहा था जल्दी जल्दी पक जाए, हाँ, इसको साइज ग्रो करा रहा था, राइपनिंग करा रहा था। और टी के अंदर, चाय के अंदर ऑक्सिन का ही काम था, टी प्लांटेशन है, डीकैपिटेशन करा था, डीकैपिटेशन करा रहा था, डीकैपिटेशन, एप्पल की शेप इम्प्रूव करा रहे थे हम, जिब्रेलिक एसिड शेप इम्प्रूव, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन, ग्रेप्स की स्टॉक इंक्रीज करा रहा था, जिब्रेलिक एसिड बढ़ा रहा था, जिब्रेलिक एसिड, शुगर केन के अंदर 20 टन पर एकड़ इलॉन्गेशन करा रहा था, जिब्रेलिक एसिड, पीनट बटर और पोटैटो ट्यूबर, मतलब बटर, पीनट सीड और पोटैटो, इथाइलिन इनकी सीड जर्मिनेशन करा रहा था, इनकी डॉर्मेंसी को रोक रहा था, सीड जर्मिनेशन करा रहा था, कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर ला रहा था, फीमेल फ्लावर ला रहा था, और मैंगो में फ्लावरिंग करा रहा था, राइपनिंग, थाइलिन है ना, और राइस के अंदर फुलिश सीडलिंग पकाने को रहा था, फुलिश सीडलिंग था, बैकेन डिसीज, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक का नोड इलॉन्गेशन कौन कर रहा था, इथाइलिन, थाइलिन सरफेस के ऊपर आ जाए, लेके आ रहा था ताकि वो वाटर सरफेस के ऊपर आ जाए। यस, चलो ये हो गया। और थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट, इनके अंदर इथाइलिन था, ये भी एथिफोन था, एथिफोन एक्सिशन को एक्सेलरेट कर रहा था, राइस हो गया। और बीट और जो रोजेट हैबिट वाले हैं उनके अंदर कौन, जिब्रेलिक एसिड था, बॉल्टिंग, बॉल्टिंग था प्रोसेस का नाम, यस मैम। एपिकल डोमिनेंस को रोकेगा कौन हार्मोन, ऑक्सिन, ऑक्सिन तो प्रमोट कर रहा था, प्रमोट करेगा, ओहो सॉरी सॉरी, ऑक्सिन प्रमोट कर रहा था, साइटोकाइनिन रोकेगा ना, साइटोकाइनिन का काम, साइटोकाइनिन ओवरऑल ग्रोथ करा रहा था, डॉर्मेंसी को कौन रोकेगा,
इथाइलिन 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 है ना इथाइलिन इथाइलिन इसको बोलेगा भाई डोरमेंसी से बाहर निकलो और डोरमेंसी में रहने को कौन बोलेगा एब्सिसिक एसिड एसिड बोलेगा क्योंकि इसको आसपास के एनवायरनमेंट टेम्परेचर से बचाना सीड को जर्मिनेट होने से कौन रोकेगा एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड उसको बोलेगा भाई जर्मिनेट मत हो और जर्मिनेट के लिए बड़ा उसको बढ़ावा कौन देगा इथाइलिन इथाइलिन सेनेसेंस को कौन बढ़ावा देगा बूढ़े हो जाओ जल्दी जल्दी इथाइलिन इथाइलिन और बुढ़ापे को कौन रोकेगा जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीन है साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक एसिड ये दोनों रोकेंगे बुढ़ापे को ठीक है पार्थिनोकार्पी को किसमें इंड्यूस कराएंगे ऑक्सिन में कार टोमेटो में कराएंगे ऑक्सिन कराएगा फीमेल फ्लावर किसके अंदर लेके आएंगे कुकुम्बर कुकुम्बर के अंदर लेके आएंगे और ऑक्सिन सॉरी इथाइलिन अपने तीन कौन से स्टेप में इन्फ्लुएंस दिखाता है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन कौन कराता है इथाइलिन स्टेम कटिंग ऑक्सिन करता है कॉनिफर्स को कौन बोलेगा फटाफट ग्रो करो कॉनिफर्स कॉनिफर्स होता है जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म बहुत सुंदर से दिखने वाले प्लांट होता है तो जो हमारा गब्बर शेर है ना वो फैक्ट्री लगा रहा है जिब्रेलिक एसिड एनवायरमेंट सही करने के लिए जिम्नोस्पर्म के प्लांट लगाएगा तो उसको बोलेगा कॉनिफर्स को कि भाई जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाओ मुझे तुम्हारे प्लांट लगाने हैं अपने फैक्ट्री के आसपास हो गया चैप्टर याद एडल्ट और जुवेनाइल फेज में हेट्रोफिली कौन सा प्लांट दिखाता है मैम बटरकैप और लक्सपुर 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 और हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल और बटरकप 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 क्लियर चैप्टर यस मैम अब मेरे को ये बताओ सी फोर प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसके साथ कंबाइन करके बनता है ओए पैप पैप के साथ पैप के साथ बनता है वेरी गुड और इसका फॉर्मूला क्या है एटीपी एनएडीपी ये सब निकालने का 5:1 वेरी वेरी गुड मेरे को उसमें पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कराना है कौन सा एंजाइम यूज करूंगी मैं पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज यस मैम पाइरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करूंगी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इथेनॉल में कन्वर्ट कराने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ठीक है याद रखना है यस और फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर कौन होता है ईडीएस में फाइनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन होता है और जो एडाप्टर है वो इथिलीन हाँ मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही तो और कॉम्प्लेक्स होता है ए वो ए थ्री ए और ए थ्री सबसे एंड वाला ए थ्री ए थ्री नहीं सिर्फ ए थ्री यस मैम F0 F1 पार्टिकल होता है F0 मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है F1 बाहर की साइड होता है दो मोबाइल कैरियर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम बताओ एक तो सक्सीनेट यूबीक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन के बाहर की साइड होता है इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होता है तो कैन आई कंसीडर कि आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी में आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक्सेप्ट दीपू अभी दीपू ने क्लास मिस किया अगर दीपू क्लास में वो ले लेता ये सोच के थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेता कि भाई शिवानी मैम पढ़ा रही है तो समझ आ ही जाएगा तो आपका भी प्लांट फिजियो डन हो जाता दीपू
मिजोरकियम क्या होता है? मिजोरकियम मैम टेस्टिस कॉकरोच के टेस्टिस पे फोल्डिंग्स होती है, किडनी से अटैच होती है फोल्डिंग के द्वारा, फोल्डिंग के उसको मिजोरकियम कहते हैं। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग का डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? वोकल सैक्स और कॉकुलेटरी पैड। वोकल सैक कॉकुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फोल्डिंग है ना, और या मिजोरकियम भी बोल सकते हो आप, मिजोरकियम के थ्रू हम बता सकते हैं। वोकल सेक्स भी मेल फ्रॉक के अंदर होता है, फीमेल के अंदर नहीं होता। एक एक डायग्राम अच्छे से, मुस्कान मुस्कान तो नहीं है ना, मुस्कान मुस्कान नोट्स मिल गए थे ना आपको फ्रॉग एंड कॉकरोच वाले? यस मैम। ठीक है, तो अब हमने प्लांट फिजियो अपना पूरा डन कर लिया है, मैंने आपको फ्रॉग करा दिया है। कल आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास रहेगा, विल ट्राई। अगर हमारा फिजिक्स क्लास और बायो क्लास का टाइमिंग क्लैश नहीं हुआ तो मैं गारंटेडली कल बायो की क्लास रखूंगी। कल की क्लास में मैं आप लोगों को कॉकरोच कराऊंगी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कराऊंगी। बट उससे पहले जो मैंने आप लोगों को नोट भेजे थे ना ऐसे बना के, ये वाला दिख रहा है, ये आप लोगों के लिए बना दिया, ये वाले मैं एनाटॉमी के भी बना के भेज दूंगी 3:30 बजे तक मिल जाए। तो उनको पहले पढ़ लेना, फिर एनाटॉमी करेंगे जैसे आज हमने प्लांट फिजियो कराया, और हम फिर कॉकरोच करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले भी भेजे हुए हैं, भेजा है मॉर्फोलॉजी के? नहीं, मॉर्फोलॉजी का नहीं मिला मैम मुझे। देखो मैं मॉर्फोलॉजी का भेजती हूँ मैम। हाँ जी बोलो बेटा। पत्ता वाला ये जो एक डायग्राम दिया है ना, ये थोड़ा बताइए तो मुझे, कैसा क्या है अपल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट नहीं? ये लीफ वाला डायग्राम जो दिया हुआ है। हाँ मैम। अभी जो मैंने प्लास्टिसिटी वाला बताया यही वाला बोल रहे हो या कोई और सा बोल रहे हो? नहीं पीछे पीछे हो। अच्छा इससे पहले वो साइज वाला, वो साइज वाला दिया हुआ। गॉट इट। इसमें देखो एक दो चीजें और है, ये मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि बहुत बेसिक सा है। इधर गया, इसमें ना ये वाला चीज भी कर लेना। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज लाइक अ माइटोसिस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये आपका ज्योमेट्रिक। तो जायगोट में अगर आप देखोगे इनिशियली जायगोट के अंदर कैसी ग्रोथ होती है? ज्योमेट्रिक, और फिर उसके बाद अरिथमेटिक होती है। इसका इन्होंने ना ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को भी आप लोग देख लेना। ये दो इक्वेशन LT = L0 + RT जब आप लेंथ की कंपेरिजन में देखेंगे, लेकिन जब आप वेट की कंपेरिजन में देखेंगे तो आप W1 = W0 ERT, ये आपका ग्राफ आएगा। पहले लेग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी, तीन फेजेस। लेग फेज में आपका धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट पे बढ़ रहा है, स्टेशनरी फेज में वेट जो है वो आपका कॉन्स्टेंट हो चला है, और लेंथ में जब आप देखेंगे तो लीनियर ग्रोथ आपको दिखेगा, एक लीनियर ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये आपको देखना है यहाँ से। हाँ ये वाला आ जाओ। देखो बेटा इसके अंदर इन लोगों ने क्या बताया, कौन बताएगा? अच्छा इस वाली चीज को मेरे को क्या समझ? मैं बताऊं? मैम इसमें दो चीजें बताइए, एक बताइए रिलेटिव ग्रोथ, एक बताइए रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ वो है जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो नंबर से है, जिसको हम नाप सकते हैं। और रिलेटिव ये है कि एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट पे जो डिपेंड कर रहा है, यानी कि पहले कितनी थी और उसके कंपैरिजन में अब कितनी है। जैसे फर्स्ट लीव में देखें तो जो उसके एब्सोल्यूट है, जो एक्चुअल है, पहले उसकी 5 सेंटीमीटर का एरिया है, बट जो अगर फ्यूचर में आई जो उसकी न्यू आ गई है वो 10 आई है, तो इसकी एब्सोल्यूट है। ऐसे सेकेंड लीव में पहले 50 थी, 55 थी, बट एक्चुअल देखें तो फर्स्ट वाली डबल हो गई है, उससे जो ऑलरेडी बहुत कम थी वो 10 बन गई है, तो डबल हुई है। बट सेकंड वाली 50 से 55 गई है, तो उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है वो देखा जाए तो पहले से वो डबल हुई है, बट सेकंड वाली बढ़ी तो है, उतनी बढ़ी है बट उतनी पहले की कंपेरिजन में ज्यादा नहीं बढ़ी। तो Absolute is equals to final minus initial, और relative होता है final minus initial। final growth है इसका 55 centimeter लिख लो, और minus initial कितना था 10 centimeter, तो answer आ जाएगा हमारा।
ठीक है। और अगर आपसे रिलेटिव ग्रोथ पूछे तो रिलेटिव को निकालने का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। ये दो फॉर्मूले याद रखना बस। अब समझा मैम? समझे? और इक्वेशन आपको बताई मैंने, LT इज इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT, या फिर आप W वाले रिस्पेक्ट में देखेंगे तो W1 इज इक्वल्स टू W नॉट प्लस ERT। यही था ना, एक बार चेक कर लेना ये प्लस ERT। यस मैम यही था। प्लस नहीं आई थिंक इसमें मैम, W नॉट ERT है। W नॉट ERT है, ये देखना। और ग्रोथ के, आप जब ग्रोथ की फेजेस की बात करते हैं तो तीन फेजेस आती है ना ग्रोथ के अंदर आपका, ये वाला पार्ट था, मेरिस्टमेटिक मैच्योरेशन और एलोंगेशन, एलोंगेशन फेज, और थर्ड आती है आपकी मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज मेरिस्टमेटिक फेज में सबसे ज्यादा डिवाइड डिवीजन वाली फेज आती है, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता रहता है। इलोंगेशन में क्या होता है, लेंथ आती है, डिवाइड नहीं होता, वैक्यूलाइजेशन होता है, साइज बढ़ता है या नंबर बढ़ता है। और मैच्योरेशन में मैच्योर हो जाता है, इसको प्रॉपर लाइक इसके अंदर प्रॉपर फंक्शन मिल जाता है आपके सेल को। इफ यू वॉन्ट इसके मैं आपको नोट्स भी शेयर कर सकती हूँ। और प्लांट के अंदर तो आपको पता ही है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है ना प्लांट के अंदर, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो कॉल इट ओपन ग्रोथ। यस मैम। और लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है प्लांट के, किसी पार्ट में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी और किसी के अंदर बहुत कम ग्रोथ होगी। तो जितना ये ना पूरा एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, मैंने आपको जो चीजें याद करनी है मेमोराइजिंग वाली पार्ट है वो याद कराया है, लेकिन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, ma'am. अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोग जब आप क्लास में एंटर होते हो तो अपना करेक्ट स्टूडेंट आईडी मार्क करते हो ना? Yes, ma'am. दीपू आप भी जो आपको स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है वही स्टूडेंट आईडी डाल के आप क्लास में लॉग इन करते हो? हाँ मैम वही सेम। तो वही चीज आपको ध्यान रखना बेटा, स्टूडेंट आईडी बिल्कुल करेक्ट मार्क करना, तभी आपका अटेंडेंस लगेगा, नहीं तो आप लोगों का अटेंडेंस रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। ओके रिवीजन करके आना एनाटॉमी वाला चैप्टर और आपका ये कॉकरोच वाला पार्ट। पहले जिस जिस ग्रुप में नोट्स नहीं आया मैं सारे ग्रुप्स में भेज दूंगी, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड मेक श्योर इस चैप्टर